दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे, 100 दिन का जनसंपर्क अभियान चलाना है, भाजपा पिछले साल 10 कामों का भी प्रचार करना होगा। उधर जेपी नड्डा ने कहा, मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है, भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है, हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ जीता है, इस बार बंगाल भी जीतेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा।